सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है तुहाडे सारयां दा ब्रॉडवे ए टू ई दे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ते। मैं रोहिणी अज हाजिर हाँ एक बार फिर तुहाडे सारयां दे सामने। तुसीं मैनूं देखदे रहिंदे हो, आईएलटीएस स्पोकन इंग्लिश ते ड्यूलिंगो दी क्वेरीज नूं डिस्कस करदे हां। उसी तरीके दे नाल अज जिहड़ा मेरा टॉपिक है उह खास तौर ते रहेगा रीडिंग दे एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन दे उत्ते। अज आपां डिस्कस करांगे कि किस तरीके दे नाल रीडिंग दे एक खास टाइप ऑफ क्वेश्चन नूं तुसीं परफॉर्म कर सकते हो। बट उहदे लई तुसीं सब तो पहला इस चैनल नूं सबसक्राइब करो, लाइक करो, ते जो कोई क्वेरी होवे तुसीं नीचे गए दिते नंबरां ते कॉल भी कर सकते हो। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अज दे टॉपिक तों। जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिया, आईएलटीएस दे विच रीडिंग जद आपां परफॉर्म करते हैं ते तुसीं कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हो। और जिहड़े खास टाइप ऑफ क्वेश्चन ने उहनां विच एक सब तो मेन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन मनिया जाता है लिस्ट ऑफ हैडिंग्स। लिस्ट ऑफ हैडिंग्स नूं परफॉर्म करते टाइम सब तो ज़्यादा डिफिकल्टी आती है बच्चों। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वह सोचते हैं कि वह किस तरीके दे नाल लिस्ट ऑफ हैडिंग नूं परफॉर्म करन। ते बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी ने जिहड़े कि एग्जाम दे विच लिस्ट ऑफ हैडिंग्स नूं परफॉर्म ही नहीं करके आंदे। सो अज मैं खास तौर ते तुहानूं दस्सांगी कि की तरीका लिस्ट ऑफ हैडिंग नूं परफॉर्म करन दा। लिस्ट ऑफ हैडिंग नूं तुसीं ईजी वे नाल किवें सॉल्व कर सकते हो। सब तो पहला ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों कि लिस्ट ऑफ हैडिंग मेनली इहदे विच आपां वोकैबुलरी या कीवर्ड्स नूं इन्ना प्रेफर नहीं करदे। जिहड़ा मेन चीज़, जिहड़ा मेन तुहाडा कंसनट्रेशन है, उह होणा चाहीदा पैराग्राफ दे उत्ते। बट ये भी जरूरी नहीं है कि तुसीं पूरे पैराग्राफ दी रीडिंग करो, क्योंकि कई वारी तुसीं देखोगे कि रीडिंग पैराग्राफ बहुत ज़्यादा लेंथी होंगे है। कहने का मतलब यह है कि एक रीडिंग दे विच, एक पैराग्राफ दे विच तुसी देखोगे कि 15 to 20 लाइना होंदिया ने। तो बहुत मुश्किल है कि तुसी लिमिटेड टाइम दे विच वो सारी लाइनस नू रीड करो तो उन्हें अंडरस्टैंड करो। तो इनू आसान बनाने का तरीका यह है कि तुसी सिर्फ वो ब्रीफ पार्ट रीड करना है। दैट मीनस कि तुसी सिर्फ उन्ना पोर्शन उन्हें विच रीड करो जिहड़ा इंपॉर्टेंट है, जिहदे नाल तुसी अपना समरी, जिहड़ी पैराग्राफ की समरी है, उन्हें समझ सको। कहने का मतलब कि किसी पैराग्राफ की स्टार्टिंग लाइन, शुरुआत की 3 to 4 लाइन, या उस सेम पैराग्राफ की लास्ट 1 to 2 लाइन पढ़ के तुसी अंडरस्टैंड कर सकते हो कि पूरा पैराग्राफ किस चीज़ के उत्ते बेस्ड है ते वो की कहना चाहता है। उस तो बाद एक बार जे तुसी अपना पैराग्राफ चंगी तरह पढ़ लैंदे हो, तुहाडा मेन जिहड़ा सैकेंड पॉइंट है, जिहड़ा सैकेंड स्टैप है, वह है अपने ऑप्शनस नूं 1 by 1 चंगी तरीके नाल रीड करना। ते जिहड़ा ऑप्शन तुहानूं सब तो ज़्यादा सूटेबल लगता है इन टर्म्स ऑफ मीनिंग, इन टर्म्स ऑफ कंक्लूजन, या तुसी गल करो की वर्ड्स की, तो तुसी उस चीज़ नूं एट दैट टाइम यूज़ कर सकते हो। इहदे नाल ही नाल दोस्तों एक चीज़ होर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट ऑफ हैडिंग जिहड़ा टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तुहानूं 2 तरीके दे नाल दित्ता जांदा है। एक लिस्ट ऑफ हैडिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसा होएगा जिहदे विच तुहानूं पैराग्राफ्स गिवन ने, तुसीं ऑप्शनस चूज़ करनी है कि कीड़ी ऑप्शन मोस्ट सूटेबल है, सब तो ज़्यादा सूटेबल हैगी है एज पर पैराग्राफ। एक दूसरा टाइप ऑफ लिस्ट ऑफ हैडिंग दा क्वेश्चन होएगा जिहदे विच तुहानूं स्टेटमेंट्स गिवन ने, ऑप्शनस गिवन ने, तुसीं सिलेक्ट करना है कि उस ऑप्शन नूं कीड़े पैराग्राफ विचों लिता गया। इहनूं जिहड़ा तरीका है दोनों टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि दोनों लिस्ट ऑफ हैडिंग दे ही पार्ट मन्ने जाते हैं, तो इन्हों करन दा तरीका बिल्कुल सेम है। बस एक चीज़ का ध्यान रखो कि ये तुसी टाइम बाउंड हो। रीडिंग दे विच तुहाडे कोल 40 क्वेश्चन ने जिन्हों तुसी परफॉर्म करना है, सॉल्व करना है 1 घंटे तो पहला। तो तुसी कोशिश करो कि जब भी तुसी लिस्ट ऑफ हैडिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन कर रहे हो तो तुसी अपने पैराग्राफ्स नूं पूरा रीड करन दी बजाय सिर्फ उहदी इनिशियल ते उहदी लास्ट स्टेटमेंट पढ़ो, ताकि तुसी उहदा क्रक्स समझ सको। जे तुसी क्रक्स समझ जाते हो तो तुसी काफ़ी हद तक पैराग्राफ नूं अंडरस्टैंड कर जाओगे। एक होर चीज़, जे तो तुसी फास्ट रीडर हो, जे तुसी एक बारी पढ़ के इंग्लिश नूं चंगी तरीके नाल समझ लैंदे हो, तो ये तुहाडा फायदा भी हो सकता है कि तुसी बाकी दिते गए टाइप ऑफ क्वेश्चन नूं भी चंगी तरह अटैम्प्ट कर सकते हो। फिर चाहे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन टाइप ऑफ क्वेश्चन होन या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स होवे, तुहानूं समझण दे विच आसानी रहेगी। सो दोस्तों, अज जिहड़ी मैं तुहानूं टिप्स ते टेक्निक्स दसियां ने, यह सीगे मेनली लिस्ट ऑफ हैडिंग्स नूं परफॉर्म करन दे तरीके। मैं उम्मीद करदी हाँ अज की इस वीडियो नाल तुहानूं हैल्प मिलेगी, एंड जे तुसीं भी कितें लैक कर रहे हो लिस्ट ऑफ हैडिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन नूं परफॉर्म करन दे लई, ते अज तो बाद तुसीं अपनी इस प्रॉब्लम नूं सॉल्व कर सकोगे। जे कोई क्वेरी होवे, जे कोई डाउट होवे, तुसीं नीचे दिते गए नंबरां ते कॉल कर सकते हो, या फिर तुसीं साडी ऑनलाइन क्लासेस भी विजिट कर सकते हो जिहड़ी फेसबुक ते यूट्यूब दे उत्ते तुहानूं डेली देखण नूं मिलदी है। थैंक यू।